नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में iPhone 16 Pro वर्सेस Samsung Galaxy Z Fold 6 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 16 Pro में 5.89 इंच जबकि Z Fold 6 में 6.04 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 16 Pro में 2.81 इंच जबकि Z Fold 6 में 2.68 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 16 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो 16 Pro में 0.32 इंच जबकि Z Fold 6 में 0.48 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 16 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 16 Pro में 199 ग्राम जबकि Z Fold 6 में 239 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 16 Pro से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 16 Pro में OLED जबकि Z Fold 6 में डायनामिक AMOLED 2X की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 16 Pro में 6.3 इंचेस जबकि Z Fold 6 में 7.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 16 Pro में 1206x2622px FHD+ और Z Fold 6 में 1856x2160px मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 16 Pro में 90.89% जबकि Z Fold 6 में 176.23% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 16 Pro में 458 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Z Fold 6 में 375 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 16 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और Z Fold 6 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 16 Pro में 17 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Z Fold 6 की बात करें तो उसमें 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 16 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Z Fold 6 में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 16 Pro में Apple GPU 6 Core Graphics जबकि Z Fold 6 में Adreno 750 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 16 Pro में Apple Pro और Z Fold 6 में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो 16 Pro में 8GB जबकि Z Fold 6 में 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 16 Pro में 4 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 512GB, 1024GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Z Fold 6 में 3 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB, 512GB, 1024GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 16 Pro में iOS V18 जबकि Z Fold 6 में Android V14 देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 16 Pro में 4 कलर्स जबकि Z Fold 6 में 5 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 16 Pro में 4 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 119,900 रुपीस,
8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 129,900 रुपीस, 8 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 149,900 रुपीस, 8 GB रैम 1024 GB स्टोरेज के साथ 169,900 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Z Fold 6 की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 164,999 रुपीस, 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 176,999 रुपीस, 12 GB रैम 1024 GB स्टोरेज के साथ 2,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो आईफोन 16 प्रो में 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Z Fold 6 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।